खबर चमोली से 22 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों भोजन माताओं के साथ विभिन्न संगठनों के लोग सैकड़ों की संख्या में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर की सड़कों पर गर्जे। गोपेश्वर में सड़कों पर जुलूस प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। विगत लंबे समय से भोजन माताएं न्यूनतम वेतन 26,000 के जाने की मांग कर रही है। वही इस आंदोलन में एसपी की मांग बेरोजगारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में सरकार से मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि भोजन माता को बिना किसी कारण से हटाया जा रहा है। उनके सामने मांग रखी जा रही कि जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते वही महिला भोजन माता का काम करेगी। भोजन माताओं ने सवाल उठाया कि जितने भी सरकारी कार्मिक वर्तमान समय में विभिन्न सरकारी कार्यालय और शिक्षा विभाग में कार्यरत है, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर केवल भोजन माता पर इस तरह का तानाशाही नियम कानून क्यों थोपा जा रहा है? वहीं सीटू के ज्ञानेंद्र हंतबाल और मदन मिश्रा ने कहा, वर्तमान सरकार जन विरोधी सरकार है। किसान परेशान, जवान मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, इसके बावजूद सस्ता सीन पार्टी अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।